देश दुनिया की बड़ी बैंक लूट पर हमारी सीरीज जारी है। इस सीरीज में आज कहानी अमेरिका के डनबार बैंक की। इसे दुनिया की बड़ी लूट में से एक माना जाता है। फिल्मी अंदाज में छह दोस्तों ने इस रॉबरी को अंजाम दिया था। पुलिस इन्हें कभी नहीं पकड़ पाती अगर एक छोटी सी गलती इन्होंने ना की हुई होती। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम, मैं हूं आपके साथ रेनु जोशी। काले कपड़े, चेहरे पर नकाब, आधी रात में छह दोस्त अमेरिका के एक बैंक में पहुंचते हैं। मकसद है बैंक में रखा सारा पैसा लूटना। हाथ में हथियार, वॉकी टॉकी, कोई सब सामान उनके हाथ में मौजूद था। बैंक के अंदर पहुंचते हैं रात के करीब 12:30 बजे। कैंटीन में गार्ड्स खाना खा रहे होते हैं। ये उन गार्ड्स को घेर लेते हैं, बंदूक की नोक पर उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, मुंह में टेप चिपका दी जाती है। इसके बाद सात नकाबपोश सीधा सेफ रूम में पहुंचते हैं और फिर बैंक से चुरा लेते हैं 150 करोड़ रुपए। ये बैंक लूट हुई अमेरिका के लॉस एंजलिस डनबार बैंक की एक शाखा में, जहां से पैसा वैन के जरिए दूसरी जगह जाता था। ये छोटी ब्रांच थी। इस बैंक को लूट का प्लान किया था इसी बैंक के सेफ्टी इंस्पेक्टर एलन पेस ने। साल 1997 अगस्त का महीना, एलन काफ़ी दिनों से बैंक में रॉबरी की प्लानिंग कर रहा था। वो था तो सेफ्टी इंस्पेक्टर, लेकिन उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि कैसे बैंक में रॉबरी को सही तरीके से अंजाम दिया जाए। यहां तक कि उसने कई उपकरणों में खराबी शुरू भी कर दी थी ताकि उसकी चोरी किसी की पकड़ में ना आए। चोरी के लिए दिन भी तय हो गया था, लेकिन ठीक एक दिन पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वजह थी उपकरणों में खराबी करना। खैर, नौकरी से निकालने के बावजूद उसने रॉबरी के अपने प्लान को तय रूप में जारी रखा। अपने इस प्लान में उसने अपने 5 और दोस्तों को शामिल किया। ये एलन के बचपन के दोस्त थे और इन पर उसको पूरा भरोसा था। शुक्रवार के दिन वो अपने इन्हीं 5 दोस्तों के साथ एक बीच पार्टी में पहुंचा। ये सारे दोस्त पार्टी में धूम मचाने लगे, लेकिन इनके दिमाग में चल रही थी एक खौफनाक साजिश, बैंक को लूटने की साजिश। इसी रात को इन्होंने बैंक रॉबरी का अंजाम देना था। पार्टी के बीच से ही ये चुपचाप निकल गए अपने काम को पूरा करने। हर कोई नशे में था, लेकिन इन 6 दोस्तों ने जानबूझकर कोई शराब नहीं पी। ये लोगों को दिखाते रहे कि ये मस्ती कर रहे हैं, पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। ये सीधा एक वैन में पहुंचे जो इन्होंने पहले से ही हायर की हुई थी। सारा सामान इस वैन में था। बस इसके बाद ये सारे दोस्त काले कपड़े और काले नकाब पहनकर बैंक में पहुंच गए। वक्त था रात के करीब 12:30 बजे का। ये बैंक में दाखिल हुए। शुक्रवार के दिन सेफ का गेट खुला रहता है, क्योंकि उस रात बैंक से ज्यादा पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। ये बात एलन को पहले से ही पता थी, इसलिए उसने शुक्रवार के दिन को ही चुना था इस रॉबरी के लिए। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड कैंटीन में खाना खा रहे थे। इन सारे दोस्तों ने हथियारों के बल पर उन्हें वहीं कैद कर लिया। इस बीच एलन सारे सुरक्षा उपकरणों को डीएक्टिवेट कर देता है। इसके बाद ये सीधा उस कमरे में पहुंचते हैं जहां सारा पैसा रखा हुआ था। ये अपनी वैन को उस रूम के गेट पर लगा देते हैं ताकि पैसा लेने के बाद तुरंत वहां से जा सकें। एलन जानता था कि यहां पर किसी पैकेट में बड़ी करेंसी है और किस पैकेट में छोटी। बस ये उन्हीं बड़ी करेंसी के पैकेट्स को उठाते हैं और सीधा अपनी वैन में डाल देते हैं। बैंक से ज़्यादातर पैसा लेकर उसके बाद ये लोग फरार हो जाते हैं। सिर्फ आधे घंटे के अंदर इस रॉबरी को अंजाम दिया जाता है। आधे घंटे के अंदर सारा पैसा बैंक से चुरा लिया जाता है। बैंक में चोरी की खबर हर तरफ फैल जाती है। पुलिस जांच शुरू करती है। शक एलन पर ही जाता है, लेकिन पुलिस को एलन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते। हर कोई बताता है कि एलन पूरी रात पार्टी में मस्ती कर रहा था, उसके दोस्त भी उसके साथ थे। कुल 150 करोड़ रुपए बैंक से गायब हो चुके थे। पुलिस की टीम जांच कर रही थी। कई महीनों तक जांच चलती रही, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। एलन और उसके दोस्त अपना काम कर चुके थे। आधे घंटे में उन्होंने बैंक की चोरी को अंजाम दे दिया था।
करीब 6 महीने बाद इन सारे दोस्तों ने इस पैसे से कई प्रॉपर्टी खरीदी। इसमें भी इन्होंने पूरी सावधानी बरती। ये प्रॉपर्टी इन्होंने अपने नाम से नहीं ली बल्कि अपने जानने वालों, अपने परिवार वालों के नाम से ली। सब कुछ ठीक चल रहा था। रॉबरी को 2 साल बीत चुके थे लेकिन एलन के एक दोस्त ने छोटी सी गलती कर दी। प्रॉपर्टी खरीदते समय इसने डीलर को बैंक से चुराए पैसे एज इट इज दे दिए। उसमें नोटों की उस गड्डी में डनबार बैंक की चिट लगी हुई थी। बस इस गलती की वजह से ये सारे दोस्त पकड़ में आ गए और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। एलन को 24 साल की सजा हुई, बाकी दोस्तों को भी सजा दी गई। यानी अगर ये छोटी सी गलती नहीं हुई होती तो शायद ये कभी भी गिरफ्तार नहीं होते, क्योंकि 2 साल पहले ही बीत चुके थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिए।